हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आए दिन दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ यहां पे ट्रेंडिंग पे लगी हुई है, अभी इस टाइम पे भी लगी हुई है। वो दोस्तों इसलिए लगी हुई है क्योंकि आए दिन भाई देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कभी अक्षय कुमार यहां पे पोस्टर शेयर करते हुए मिलते हैं, कभी टाइगर श्रॉफ, तो कभी अली अब्बास जफर, कभी इनसाइडर से यहां पे कुछ ना कुछ पोस्टर दिखते हैं, कभी वो सुमित काडेल हैं, वो अभी जॉर्डन गए हुए थे, उन्होंने यहां पे टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार एंड अली अब्बास जफर के साथ फोटो वगैरह खिंचवाए हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यहां पर शेयर किए हैं। ये तो हुई है। अब देखिए, कल मैंने आपको बड़े मियां छोटे मियां पे वीडियो बना के बताया था कि भाई देखो यहां पे अभी शूटिंग जो है खत्म हो चुकी है एंड अभी टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार तो वही आ चुके हैं, बाकी यह है कि ऑल जो टीम है वो उसका क्या सीन है, वो है वहां पे या नहीं है। देखो अभी यहां पे जो एक ऑफिशियली तरीके से हिमेश साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक आर्टिकल यहाँ पे शेयर किया, वो पिंकुला के रिपोर्टर है, उसमें साफ साफ देखो यहाँ पे स्टारकास्ट एंड टोटल यहाँ पे क्या चल रहा है वो सारा का सारा उन्होंने बताया। देखो यहाँ पे वही रैप अप शूटिंग हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जॉर्डन में अभी ये सीन शूट हुए, जॉर्डन में शूटिंग जो बची थी वो शूट हुई एंड सॉन्ग यहाँ पे शूट हुआ। जो बताया गया है कि जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं भाई 100 से ज़्यादा बैकग्राउंड डांसर्स इनके बैक साइड में नाच रहे थे, और जो मैंने कल आपको जो पिक्चर दिखाई थी ना, वो जो अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ बैठे खड़े हुए थे एक और एक राइट हैंड पे कहीं देख रहे थे, उनकी जो ड्रेसअप थी वो थोड़ी सी अलग टाइप की थी भाई, वो सॉन्ग की थी और वो सॉन्ग शूट हो चुका था। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वस्ती कर रहे थे, तो किसी से बोला हुआ इन्होंने कि भाई ऐसा है यहाँ पे एक जरा पिक ले लो, तो पीछे का एक आया था। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जॉर्डन का तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी दो यहाँ पे जगहें और हैं जहाँ पे अभी इसकी शूटिंग और होनी बाकी है, क्योंकि तीन जगह का यहाँ पे नाम आया था, तीन जगह ओवरसीज में इसकी शूटिंग और होनी है। जॉर्डन में हो चुकी है, अब जॉर्डन में कितने गाने शूट हुए ये पता सही से नहीं चल पा रहा, ना ही समझ में आ रहा है, क्योंकि तीन गाने शूट होने थे वो भी अलग अलग लोकेशन पर। अब देखो जॉर्डन में तो हो चुका है, अब जॉर्डन में कितने गाने शूट हुए, एक गाना शूट हुआ या फिर बाकी की मूवी शूट हुई है, वो देखो यहाँ पे अभी क्लियर ढंग से पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मेकर्स ने यहाँ पे खुल के बात नहीं की है। बाकी दोस्तों जैसे भी इस बारे में बात आएगी निकल के तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैं आपको लिटरली एक बात कह रहा हूँ कि देखो इस मूवी को रिलीज होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-2.5 महीने इस मूवी को बचे हैं, फरवरी चल रहा है, मार्च एंड अप्रैल, 2 महीने 10 दिन, इस 2 महीने 10 दिन भी नहीं बचे हैं इस मूवी को रिलीज होने में, और इस मूवी का देखिए बस कितना है, और देखिए बस बने हुए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, टीजर को आए हुए कितना दिन हो चुका है, टीजर को आए हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और इसका जो बस है भाई उससे पहले से बनता, मतलब 1.5 महीने पहले से बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे बातें चल रही हैं, 1.5 महीने पहले से, और अभी कितना टाइम बचा है, 2.5 महीना, तो 2.5 और 1.5 कितना हुआ, लगभग 4 महीने पहले से इस मूवी का दोस्तों मेकर्स ने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, और थोड़ा बहुत ले दे के जो बातें हो रही थी वो पहले से भी हो रही थी, यानी कि 6 महीने पहले से इस मूवी का लगातार यहाँ पे प्रमोशन हुआ पड़ा है। और देखो मेकर्स ने एक चीज़ यहाँ पे पकड़ के रखी कि मेकर्स ने एक चीज़ मिस नहीं होने दी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे पब्लिक का एक इंटरेस्ट बना तो उस इंटरेस्ट को मेकर्स ने तोड़ा नहीं है, उसको बना के रखा है, यानी कि मेकर्स देखो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई एक उस वे में नहीं जा रहे कि यार हम लास्ट में आएंगे तो मूवी चल जाएगी। मेकर्स को भी यहाँ पे पता है कि अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की फिल्मों की अभी क्या पोजीशन चल रही है, उसके हिसाब से मेकर्स देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और देखो मैं एक बात कहता हूँ कि चाहे पोजीशन पुरानी फिल्मों की, यानी कि जो एक्टर की मूवी आ रही है उससे पहले जो उसकी मूवी आ चुकी है, उसकी पोजीशन जो भी हो, अच्छी हो बुरी हो, 1000 करोड़ वाली हो चाहे 100 करोड़ वाली हो चाहे 10 करोड़ वाली हो, वो चीज़ दिमाग में ना रखो, अपनी मूवी का एक अलग तरीके से एंड अच्छे लेवल पे मेहनत करो और प्रमोशन उसका लेके चलो, और पब्लिक को बिल्कुल भी भूलने मत दो अपने आप को कि भाई हम लोग उस दिन आएंगे, उसका बराबर यहाँ पे 1 दिन 2 दिन कुछ भी यहाँ पे प्रमोशन करते रहो। अब इतना बड़ा शूट चलता है, इतने बड़े लेवल पे इतने सारे फोटोज वीडियोस बनते हैं, यार एक बात मेरे को ये बता दो कि अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को लेके चलेंगे कि हम जैसे कि शूटिंग कर रहे हैं, हमारी शूटिंग जनवरी में रैप अप हो रही है और हमें शूटिंग और जो है मूवी को रिलीज़ करना है अप्रैल में, बीच में 2-3 महीने हैं, तो हम इतना बैकअप लेके चलें शूट पे कि हम कुछ ना कुछ पिक यहाँ पे क्लिक करते रहें, जो कि हम हर 3 दिन में सोशल मीडिया पे उसे अपलोड करते रहें, जो कि मूवी से रिलेटेड हो और पब्लिक को यहाँ पे एक गर्मा गर्मी बनी रहे, बातें होती रहे, जैसे इस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ का दोस्तों चल रहा है। बिल्कुल इन्होंने सेम स्ट्रेटेजी दोस्तों बिल्कुल वही लेके चले हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये स्ट्रेटेजी मैं इसको देख के नहीं बता रहा हूँ, ये बातें मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रही हैं, और ये चीज़ दोस्तों साउथ में हुई थी, पता नहीं कौन सी मूवी की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को वहाँ से दिमाग में एक बात आई थी, मैंने कहा यार क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, मतलब उन्होंने जो फिल्म अपनी मूवी बना रहे हैं एंड मूवी बनाते बनाते उन्होंने कुछ अलग, जैसे कि खाना खाते हुए क्लिप ले ली, खेलते हुए क्लिप ले ली, मैं एक्टर
एक्टर्स की, मतलब शूटिंग हो रही है उस सीन से अलग ले ली। अब वो बाद में उसको जो है प्रमोशन के वक्त में उसको रिलीज़ करते चले गए, यानी कि हर 3 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर 2 दिन में, ऐसे करते चले गए। इससे क्या हुआ, पब्लिक में बस बना रहा और कोई कंटेंट भी पब्लिक के सामने ऐसा नहीं गया कि मूवी को जो है समझा जाए और यहाँ पर प्रमोशन भी होता गया। पब्लिक ने इतनी सी भी बात नहीं बोली कि भाई ये मूवी का प्रमोशन ढंग से नहीं हुआ। इतनी सी पब्लिक को क्या चाहिए भाई, पब्लिक को यही तो चाहिए भाई, हम लोगों को क्या चाहिए मूवी के बारे में, बस ये दिख जाए। हाँ, जैसे कि अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में चल रहा है भाई, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेकर्स को सब पता है, सारे मेकर्स को पता है, बस थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत चाहिए, एक टीम बिठानी है। उस टीम को नहीं बिठाया जाता, उस टीम पे काम नहीं हुआ जाता, जब ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब जैसे कि फाइटर में इन लोगों के थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो थे थोड़ा सा अलग वे में थे, इनको लग रहा था कि लास्ट में हमारी मूवी चल जाएगी, रिलीज़ के बाद में चल जाएगी, जबकि एडवांस बुकिंग से पता चल चुका था कि ये मूवी कितना पानी में है। देखो मूवी में कोई कमी नहीं है, मूवी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बस मूवी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लोग, कनेक्ट नहीं हो पा रहे पब्लिक यहाँ पे। अब पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे यार, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक टाइम ट्रैवल पे मूवी है, इधर के लोग उधर आएंगे एंड इधर के लोग उधर जाएंगे। अब किस लेवल पे मशीनें अपने बैक में जाएंगी या ये लोग आगे जाएंगे, ये देखो आगे ट्रेलर में पता लग पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन रोबोटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रोबोट कर रहे हैं, जैसे कि मूवी आई थी टर्मिनेटर में क्या था, ह्यूमन रोबोट थे स्टार्टिंग में, जो आपने देखा होगा फर्स्ट जो टर्मिनेटर आई थी टर्मिनेटर, उसमें यही चीज़ दिखाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ देखो सेम टू सेम तो ये लोग लेंगे नहीं, ये तो बात तय है, ब्लू सेम टू सेम नहीं लेंगे। और बात फिर वही आ जाएगी कि यार ये कॉपी करिए, और अली अब्बास जफर जो है ऐसे हैं कि वो कॉपी का नाम पे सी भी नहीं रखते, कॉपी का सी भी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बना के डाल देंगे कि मज़ा आ जाएगा। जैसे कि टाइगर 2 में बेहतरीन यहाँ पे दोस्तों काम करवाया भी था। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार तो देखो बहुत टाइम से जानते हैं अली अब्बास जफर को और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। ये है कि टाइगर श्रॉफ यहाँ पे मुझे लगता है कि कनेक्ट तो हो गए होंगे, देखो ऐसी बात नहीं है कि नयापन हुआ, कनेक्ट तो हो गए होंगे, कनेक्ट होना भी चाहिए। और जो जुगलबंदी है सबकी सेट पे जो सेट हो जाती है, और सेट बड़े बड़े लगाए गए हैं, गानों के जो सेट थे काफ़ी बड़े बड़े थे, जो सुनने में आया था बहुत बड़ा स्केल था। आप 100 डांसर्स अगर बैकग्राउंड में नाचेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा वो जो है सेट होगा, कितना बड़ा स्केल होगा, उसमें कितने ड्रोन ऊपर होंगे, कितने साइड में कैमराज होंगे, कितने जो है रेक्टेंगल्स में होंगे, कितने उधर होंगे, मतलब समझ लो आप इस तरीके से दोस्त, कितनी क्रेन्स जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ा स्केल पे शूट हुआ है जॉर्डन में, फुल यहाँ पे जो है इजाज़त ली गई है प्रॉपर तरीके से। और देखो बाकी अगले ट्रेलर और अगले कुछ टीज़र का मुझे ऐसा लगता है कि इसके एक टीज़र और आएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसका एक टीज़र और आएगा, उसके बाद में ये लोग एक ट्रेलर रिलीज़ करेंगे बाद में, वो भी लास्ट में। इसका टीज़र 2 ज़रूर आएगा, क्योंकि इससे अभी पेट भरा नहीं है। मेकर्स को अभी और कुछ भी दिखाना है जिसको देख के यहाँ पे पब्लिक पागल हो जाने वाली है। इसका एक टीज़र और आएगा, उसके बाद में ट्रेलर आएगा, फिर यहाँ पे सॉन्ग की बारिश होगी। दूसरे ट्रेलर के बाद में सॉन्ग आएगा, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड सॉन्ग आएगा, फिर लास्ट में इसका ट्रेलर आएगा, फिर उसके बाद में एक और सॉन्ग आएगा। ये दोस्तों न्यूज़ आ रही है, बाकी देखते हैं कि अगला टीज़र ये लोग कब अनाउंस करते हैं। फिलहाल नज़रें मेरी इस पे ही है, और आपकी किस पे है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। फिलहाल आप भी अपना कुछ आइडिया बता सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस मूवी से नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।